फिलहाल मैं शिमला में ही आया हुआ हूँ, ठीक है, एंड शिमला नहीं जाएंगे हम, शिमला में ही आए हुए हैं भाई। मैं अपने सहारनपुर से आया था अपनी ह्यूंडई क्रेटा के अंदर, ठीक है, ओके। वहाँ लगता है कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, आई डोंट नो। एंड भाई साहब अभी ना मैं इस होटल में तो रुका था, ठीक है, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ों पर बर्फ़ देखने के लिए। यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, ठीक है, तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं। बाकी मैंने अपनी ह्यूंडई क्रेटा में ना एग्जॉस्ट भी लगवा रखा है, तो मैं सुनाऊँगा अभी। साउंड सुनो क्या आते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और मैं अपनी पूरी ड्राइव ऐसे ही करने वाला हूँ, ये ड्राइव मोड न्यूट्रल, ठीक है, ड्राइव मोड ही आता है ह्यूंडई में, बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया, रुक जाओ, मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी गाड़ी, बहुत स्लोली निकालनी पड़ेगी। देखो जरा, नहीं उठ रहा भाई, थोड़ा पीछे से लेकर आनी पड़ेगी गाड़ी को। यार गाइस ये क्या दिक्कत हो गई यार, ओ तेरी, अभी दूसरा चारा है एक, वो है। ऑल राइट भाई, किसी तरीके से तो मैंने निकाल लिया वहां से। एक यहाँ पर ये स्विफ्ट अटकी हुई है भाई, मैं भी क्या कर सकता हूँ इस मामले में। लोग बाग यार पागलों की तरह गाड़ियां चलाते हैं। चलो बढ़िया, क्या बात है भाई, गाड़ी चलाने का मजा जो है ना वो यहीं पर है यार। तुम्हारा भाई तो इससे पहले पहुंचेगा, बहुत बढ़िया, अपनी क्रेटा निकल गई इधर से। बहुत सही, बहुत बढ़िया, यार ये जो स्विफ्ट के बच्चे जा रहे हैं ना, तो इनसे तेज निकालने की कोशिश करता हूँ आगे गाड़ी। उत्तरी BMW वाला आ गया था, यार स्विफ्ट वाले बड़े हल्के चला रहे हैं कार, स्विफ्ट वाला बड़ी हल्की गाड़ी चला रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया, यही होती है भाई कार ड्राइविंग वाली एंथुजियास्ट, क्या बात है। यार ये पहाड़ों पे जा रहे हैं तो रुक रुक के ही जा रहे हैं यार, लगता है सारे दिल्ली वाले स्विफ्ट वाले यहीं आ गए यार।
मारुति की गाड़ियों में सीएनजी लगवाकर लोग बाग आ जाते हैं यार। इनसे पहले ले लिया मैंने ड्राइव। रुक जाना एक मिनट, बहुत अग्रेसिव राइड हो गई। तो बच गई। तुम्हारे भाई ने फुल खतरनाक ड्राइविंग कर रखी है, वो भी हाई स्पीड में मसूरी वाले रास्ते पे। बड़ा मजा आता है भाई सर वाले रोड पे। यार ये Hyundai Creta में ना एक चीज है, ये बड़ी लेट रेस पकड़ रही है यार। मैनुअल में चलाता हूं। बढ़िया, मैनुअल पे कुछ हो रहा था कैसे लगता था ऐसे ही है। ड्राइव मोड पे ही सही चल रही है भाई, ये ड्राइव मोड पे ही सही चल रही है, वैसा तो कुछ हो रहा है गाड़ी को। चल पीछे हो, बस तुम स्विफ्ट वालों पीछे ही रहो, हमें तो आगे जाना है भाई। ओके रुक जा, अबे रुक जा ना। और गाइस हमने इतना मतलब ड्राइव कर ली, आप एक जगह भी एक स्क्रैच नहीं दिखा सकते पूरी गाड़ी पे, देख रहे हो जगह कितनी है। तुम्हारे भाई को ड्राइव पे इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है। अब भाई बोलते ठुक गई, हल्की सी बोलते ठुकी दोस्तों। देख गाइस तो फाइनली यार हम दोस्तों पहुंच गए हैं पहाड़ों में ऊपर आराम से। अब इधर को लेकर चलता हूं, मैं थोड़ा चाय वाय पी रहा था यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों बर्फ ही बर्फ पड़ी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ऊपर जाने का भी रास्ता है बर्फ में, तो मेरे ख्याल से ऊपर ही घूम के आते हैं यार। बहुत बढ़िया, बर्फ में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। ये जा रहा है ऊपर रास्ता, भाई क्या बात है। भाई साहब यार यहाँ पर मैंने गाड़ी के ब्रेक मार ली है और एकदम ना रुक गई है, वीडियो भी तो होगी अभी। गाड़ी थोड़ा सा लोड मानती हुई सी चल रही है यहाँ पे। यार ट्रैक्शन ना लूज करे गाड़ी,
ECS वगैरह ऑफ कर दिया। अगर ऐसी मोड पे चलनी चाहिए ना कार, क्या बात है। तेरी ओ भाई उतर गई नीचे, उतर गई नीचे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फंस गई। बे चल ना, भाई साहब गाइस गाड़ी रुक नहीं रही यार। मैं तो पी पे डाल दी कार को। ओ भाई व्हील ही निकल गया, कोई फायदा नहीं पी पे डालने का भी। एक व्हील ही निकल चुका है दोस्तों। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ऐसे तो होता ही रहता है। खैर मुझे उम्मीद है कि यार आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो कर दो यार वीडियो को लाइक कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मेरे भाइयों, खुश रहिए। बाय बाय।